अगर दबंगई की राजनीति हम नहीं करते इसका मतलब कि हम दबंग नहीं है, ऐसा नहीं। सब विचारों के लोग हैं, वो चाहे भाजपा में है, चाहे सपा में है, चाहे बसपा में है, उनको सबको हम मस्त, उनका दिमाग हम ठीक करेंगे। और हम बुलेटिन के प्रायोजक हैं सेमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मोदी से लिया पंगा, धोबिया पाट दाव मार कर भाजपा को किया चित्त, हार के बाद बोले अमेठी के महाराज, सबका होगा इलाज, बस करिए थोड़ा इंतजार। अमेठी में खेला हो गया क्या? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ऐसा धोबिया पाट दाव मारा कि सियासत के महाराज डॉक्टर संजय सिंह चारों खाने चित्त हो गए और अखिलेश की साइकिल का रेला हो गया। भीतर घात के बाद मिली हार से महाराज डॉक्टर संजय सिंह तिलमिला उठे हैं और अब जनक आर पार का ऐलान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी चौकड़ी की नींद उड़ाने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी विधानसभा सीट अमेठी की, जहां साइकिल चुनाव निशान पर चुनाव जीती है जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति, और चुनाव हारे हैं अमेठी रियासत के महाराज डॉक्टर संजय सिंह। अमेठी में भाजपा की करारी हार की अब करारी समीक्षा हो चुकी है। समीक्षा में वो बात सामने आई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ा देगी। वैसे अमेठी में भाजपा को जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी रैली भी की थी, बड़े नेताओं ने पूरा जोर भी लगाया, मगर अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अंदर ही अंदर खेला कर दिया। भीतर खात से नाराज डॉक्टर संजय सिंह का पारा चढ़ गया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सबका इलाज होगा, यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी। धमके भरे अंदाज में डॉक्टर संजय सिंह ने कहा है कि अगर हम दबंगई नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं कि हम दबंग नहीं है। आपका मोरल कभी डाउन न हो, मैं आपके साथ हूँ, रानी साहब आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ। आज आवश्यकता केवल एक बात की है कि अपने में प्रेम भाव सबको और बढ़ाइए, लोगों से बातचीत करिए। राजनीति क्या है? कम्युनिकेशन। आप बातचीत करिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात करेंगे, आप आपके पास आएंगे, आप हमारे पास आएंगे, यही तो है राजनीति। कोई किसी के लिए खेत बोलता है? आज इसको बढ़ाइए, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कीजिए। प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में चर्चा कीजिए, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के बारे में चर्चा कीजिए। आवश्यकता आज इसी की है। और जो गलत विचारों के लोग हैं, वो चाहे भाजपा में है, चाहे सपा में है, चाहे बसपा में है, उनको सबको हम मस्त, उनका दिमाग हम ठीक करेंगे। और हम अगर दबंगई की राजनीति हम नहीं करते इसका मतलब कि हम दबंग नहीं है, ऐसा नहीं। हम आपके सम्मान को, आपके स्वाभिमान को, आपकी सुरक्षा को कभी भी हम कोई पट्टा कभी नहीं रखने देंगे, जब तक हमारे में सांस है, जब तक हम जिंदा है। अमेठी की जनता, आपके लिए हम हर समय मौजूद, आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं अनुपस्थित हूँ। मैं नहीं भी रहूंगा तब भी उपस्थित रहूंगा। आप विश्वास रखे, भरोसा रखे, अपने पे भरोसा रखे, अपने जो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। नहीं, कमजोर नहीं है, कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिए कि आप कोई गलत रास्ते पर हैं, आप सही रास्ते पर हैं। सही रास्ता आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, जो रास्ता है वही भाजपा का रास्ता है। मैं कमल निशान से ही लड़ रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी का ही निशान है, वो प्रधानमंत्री जी का ही निशान है, वो नड्डा जी का ही निशान है, वो स्वतंत्र देव जी का ही निशान है। जितने नेता हैं सबका निशान है। अगर किसी को गलतफहमी हो गई जो भाजपा में बैठे हैं और फिर भी उनको लगता था कि ये कमल निशान ये गुलाब का फूल है कि गेंदा का फूल है कि तुलसी का फूल है, वो गलतफहमी उनकी हम लोग दूर करेंगे, बड़ी जल्दी दूर करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा की ताकत बढ़ रही है, वहीं अमेठी में भाजपा की ताकत घट गई है। गौरीगंज और अमेठी सीट पर साइकिल का कब्जा हो चुका है और इसी के साथ सियासत का महाभारत भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। इस दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।